गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंडिंग स्टफ। और मेरा नाम है युगल सिंह और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप लोग एडोब लाइटरूम जो मोबाइल है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा फोटो एडिटर यूज़ नहीं किया है, मतलब पेड फोटो एडिटर नहीं यूज़ किया है, बट अभी मैंने रिसेंटली सीखा है कि कैसे यूज़ करते हैं एडोब लाइटरूम। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज। तो आज आप लोग इसमें सीखेंगे कि आप लोग कैसे जो एडोब का लाइट रूम है इसको आप कैसे अच्छे तरीके से एकदम प्रोफेशनल लेवल्स पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं। ओके, सो हम लोगों को सबसे पहले जो इमेज हम लोगों को लाइट रूम में एडिट करनी है उसको गैलरी में से ओपन कर लेना है। तो जैसे कि मैं ये क्लाउड्स की फ़ोटो मैंने क्लिक की थी, तो इसको मुझे थोड़ा अपग्रेड करना है क्योंकि ये उतनी अच्छी नहीं लग रही है, इसको एडिट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको एडोब लाइट रूम में ऐड टू लाइट रूम में क्लिक करके ओपन कर देंगे, जिसमें लिखा था ऐड टू लाइट रूम शेयर के ऑप्शन में। तो अगर आपके फ़ोन में एडोब लाइट रूम मोबाइल का ऐप नहीं है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर आने के बाद जब आपने इसको एड टू लाइट रूम कर दिया तो ऊपर से दिखेगा आपको कि इम्पोर्ट हो चुकी है, इम्पोर्ट फिनिश्ड। तो उसके बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे इस पिक को जो क्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आपकी फ़ोटो क्लिक करते वक्त थोड़ी सी टिल्ट हो गई है तो उसको आप स्ट्रेटन भी कर सकते हैं, स्ट्रेटन। और यहाँ से आप लेफ्ट या फिर राइट रोटेट भी कर सकते हैं अपनी इमेज को, और फ्लिप भी कर सकते हैं। तो इसको मैं सारी जो ओरिजिनल पे अंडू कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रोफाइल्स में आपको ढेर सारे प्रोफाइल्स मिल जाते हैं जो कि इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि आप इजीली इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो पूरा फोटो एडिटर है इसमें एक दो ऑप्शंस को छोड़ के, एक दो फीचर को छोड़ के बाकी सारे फ्री हैं। इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि ऑटो एडजस्ट जब आप कर देंगे, ऑटो पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए इसने मतलब ऑटोमेटिकली ये अपने आप से एडिट कर देगा आपकी पिक। तो और यहाँ पे आपको लाइट कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है और कलर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जैसे टेम्परेचर आप डाउन कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, टिंट भी आप इसमें सेट कर सकते हैं, वाइब्रेंस हो गया और सैचुरेशन हो गया, ये सब आप इसमें कर सकते हैं। और कलर मिक्स का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, जिसमें कि आप जो कलर है उसका जो मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि ह्यू हो गया, सैचुरेशन हो गया, तो उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इफ़ेक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रेन अमाउंट हो गया, रफनेस हो गया, हाइलाइट्स हो गया, और डिटेलिंग भी आप यहाँ पर इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ऑप्टिक्स भी आपको मिल जाता है, तो ऑप्टिक्स अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो आपको पता है ऑप्टिक्स लाइट से रिलेटेड होता है। तो अगर आप लेंस प्रोफाइल करेक्शंस पे ओके कर देंगे तो इसके बाद आपको लेंस प्रोफाइल करेक्शन भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रीसेट्स भी ढेर सारे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कलर हो गया, क्रिएटिव हो गया, BNW ब्लैक एंड वाइट हो गया, और ढेर सारे आपको इसमें प्रीसेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो अच्छा लगे आपको वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एडोब लाइट रूम का जो प्रीसेट्स कैसे यूज़ करते हैं या फिर जो हाई लेवल एडिटिंग होती है वो कैसे होती है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर इसके बाद अगर आपको इसको सेव करना है तो ऊपर जो थ्री डॉट्स बनी हुई हैं इस पर आप क्लिक करके वहाँ से आप सेव टू डिवाइस कर दें और जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लें। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोस के लिए वेट करें, बेल आइकन भी दबा लें। सो थैंक यू।